कैसे हो आप सब? जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे। कोरोना की आफत, सिलेबस में राहत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक में जो हमारे स्कूल्स कॉलेज है इंडिया के अंदर, वो इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड भी कह सकते हो, लेकिन जो इंडिया के अंदर है वो लॉकडाउन से पहले यानी मार्च से लेकर अभी तक कोरोना की वजह से बंद है। और अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है कि वो दोबारा कब रीओपन होंगे हमारे स्कूल और कॉलेजेस। इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार अपने सिलेबस में की है कटौती। तो उसी की वजह से इस कोरोना पैंडेमिक में आई है कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़। क्या है वो गुड न्यूज़? कि CBSE ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अपने सिलेबस में क्लास 9 से 12 तक, जी हाँ क्लास 9 से 12th तक उन्होंने अपने सिलेबस में किया 30% रिड्यूस। CBSE ने अपना सिलेबस कर दिया है पहली बार 30% रिड्यूस। तो जब से ये न्यूज़ आई है कई लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, और कई लोग को जब से न्यूज़ आई है वो कन्फ्यूज भी है कि कौन से डिलीट हुए और कौन से चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में भी आने हैं। तो वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ है। जब से ये सिलेबस आया मेरे पास बहुत से स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि वो थोड़े भी कंफ्यूज है, उन्हें अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है या कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कुछ से रिलेटेड उन चैप्टर से रिलेटेड कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो मैं उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लेके आया हूँ आज की वीडियो। मैं हूँ अभिषेक और मैं आपका आज यही कन्फ्यूज़न करूँगा क्लियर। क्लास 9th और 10th मैथ्स के कौन से चैप्टर के टॉपिक्स हुए डिलीट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, कौन सा क्लास 9th से कि उसके कौन से चैप्टर या कौन से चैप्टर के टॉपिक्स हुए डिलीट, जिससे आज आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न हो जाएगी दूर। तो ये है हमारी क्लास 9th डिडक्टेड पोर्शन। जैसे ऊपर लिखा हुआ डिडक्टेड पोर्शन मैथमेटिक्स कोड 041 क्लास 9th टॉपिक्स रिमूव। याद रखें यहाँ पे क्लियर लिखा है चैप्टर यानी चैप्टर के नंबर्स, और यहाँ पे लिखा है टॉपिक्स रिमूव्ड यानी कि कौन से टॉपिक रिमूव हुए। उन्होंने क्लियर लिखा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपके इस चैप्टर रिमूव हुए हैं। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 30% सिलेबस एग्ज़ाम में नहीं आएगा उन्होंने ये कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टॉपिक्स ही इन्होंने रिमूव कर दिए, कुछ टॉपिक्स यानी कुछ एक्सरसाइज इन्होंने रिमूव करी है। तो वही हम देखेंगे कौन सी करी है। जैसे कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में नंबर सिस्टम आप लोग जानते हो क्या होता है। तो हम वो डिस्कस ना करके हम ये डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से टॉपिक रिमूव हुए, कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहला है रियल नंबर्स के अंदर ये तीन टॉपिक्स हैं जो रिमूव किए गए हैं। जैसे कि पहला कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। जैसे आप जानते ही हो कि आपकी इसका मतलब है कि जो भी नंबर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग है जिसको आप नंबर लाइन पे जी हाँ डेसिमल्स को नंबर लाइन पे शो करोगे किसके थ्रू, मैग्नीफिकेशन के थ्रू। इन शॉर्ट कहा जाए तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है वो नंबर लाइन पे शो करने वाली मैग्नीफिकेशन के थ्रू उसको रिमूव कर दिया गया है। वैसे ये कोई स्पेशल नहीं है, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है। तो उन्होंने कुछ स्पेशली डिलीट नहीं किया, ये ऑलरेडी हम अपनी तरफ से डिलीट लेके ही चलते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज ना तो स्कूल में कराई जाती है और ना ही कभी किसी कोचिंग सेंटर में। क्लियर है, एक टॉपिक आपका ये रिमूव हुआ है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेनिंग डैट एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली वाइज, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। मतलब कि सिंपल सी बात समझ लो कि जितने भी आपके इस चैप्टर के अंदर नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज से डिलीट हो चुके हैं। मतलब इससे अब आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी क्वेश्चन मिले। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर से बस वही टॉपिक रिलीज हुए जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले होते थे और कुछ रिमूव नहीं हुआ है, बाकी सब आपका सिमिलर वैसे के वैसा पूरा चैप्टर और पूरी की पूरे एक्सरसाइज आएगी। तो ध्यान रखिए सिर्फ आपका एक ही टॉपिक या कह सकते हो जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाली एक्सरसाइज है सिर्फ वो डिलीट हुई है चैप्टर नंबर 1 से रियल नंबर से। फिर आपकी आती है यूनिट 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आता है आपका पॉलिनोमियल्स, आप लोग जानते हो पॉलिनोमियल्स हो गया। कहते हैं मोटिवेट, इसमें जो टॉपिक रिमूव हुए है ये वही है, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। आपके इस चैप्टर के अंदर एक फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम आप जानते होंगे डिविडेंड इनटू डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर वाली, डिविडेंड इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर वाली, वो वाली जो फैक्टर थ्योरम है वो आपकी रिमूव कर दी गई है, वो अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी।
और उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब आपके हैं इस चैप्टर के अंदर, चाहे वो एग्जांपल हो चाहे वो एक्सरसाइज में हो, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं। सेकंड टॉपिक आपका रिमूव हुआ है आपकी 2.5 से पहले, 2.5 जब आप करोगे तो उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज है 6 to 7, तो उसमें से एक आइडेंटिटी जो लास्ट वाली है x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाली आइडेंटिटी आपकी रिमूव कर दी गई है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आपको नहीं आएंगे, जैसे कि आपके एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, एक्सरसाइज 2.5 के अंदर आपके क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15 है वो आपके कट हो चुके हैं, वो आपके एक्सरसाइज में एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो इस चैप्टर से बस यही डिलीट हुआ है। फिर आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के सारे रिमूव कर दिए गए हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सब भी आपके इस चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं। क्लियर है? जैसे कि आपका था कि ये राम के फादर की एज राम के इतनी है, तो वो जो रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी इस चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं, सिर्फ इसमें से ये टॉपिक डिलीट हुआ है। उसके बाद आपकी यूनिट थर्ड आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे क्लियर उन्होंने लिखा है कि नो डिलीशन, क्लियर उन्होंने क्या लिखा है कि नो डिलीशन। नो डिलीशन का मतलब है कि इससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा आपका चैप्टर है, जितनी एक्सरसाइज है, जितने क्वेश्चन है, वो सारे का सारा पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है, वो पूरे का पूरा चैप्टर आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इस चैप्टर में से आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। नो डिलीशन का मतलब ये है। उसके बाद आपका आता है यूनिट फॉर ज्योमेट्री, जो आपका फिफ्थ चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये 2 या 3 मार्क्स का ही चैप्टर है वैसे भी, और इसको अब CBSE के थ्रू पूरे का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, कि मतलब कि ये चैप्टर अब आपको देखना ही नहीं है, ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, ये पूरा चैप्टर अब आपका डिलीट हो गया है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, वो आपका नो डिलीशन। नो डिलीशन जैसे मैंने बताया कि वो चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरे का पूरा चैप्टर वैसे का वैसा ही आएगा, तो आपको पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका अगला आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में कहते हैं प्रूफ ऑफ द, जो ये इस ट्रायंगल में से जो डिलीट हुआ वो ये टॉपिक है, प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, उसमें से कुछ थ्योरम्स आप जब करोगे उस चैप्टर का आपको पता लगेगा, थ्योरम प्रूफ करने एग्जाम में आती थी वो अब डिलीट करिए। कौन सा वाली कहते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू ट्रायंगल्स इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स, मतलब कि बेसिकली कहे जाए तो जो आपकी जो थ्योरम है उसके अंदर आपकी ASA वाली एक थ्योरम है, यानी कि एंगल साइड एंगल वाली एक थ्योरम है, वो वाली थ्योरम अब आपकी डिलीट कर दी गई है। फिर SAS, SSS, ASS, ASA, RHS वो सारी थ्योरम है, उसमें से सिर्फ एक थ्योरम डिलीट की गई है, एंगल साइड एंगल वाली थ्योरम, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम बाकी बची है रिमेनिंग वो सारी की सारी एग्ज़ाम में आएगी, सिर्फ एंगल साइड एंगल वाली थ्योरम आपने नहीं पढ़नी है। वैसे ही आपका एक और टॉपिक डिलीट हुआ है, वो आपका है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज एंड ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल के अंदर उस एंगल और फेसिंग साइड के बीच का जो रिलेशन होता था वो वाली इनइक्वालिटीज भी आपकी ट्रायंगल से रिमूव कर दी गई। जब आप उस चैप्टर को खोल के देखोगे तो आपको क्लियरली एक थ्योरम दिख जाएगी ASA और ये वाली, तो ये दोनों थ्योरम आपकी थ्योरम और टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, वो थ्योरम है वो सारी की सारी डिलीट कर दी गई है। फिर आपका एक चैप्टर आता है नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, उस चैप्टर में से नो डिलीशन, मतलब कि उस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो पूरे का पूरा चैप्टर वैसे का वैसे ही एग्ज़ाम में आएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 9 आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो आपका पूरे का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, क्लियर लिखा है डिलीट द चैप्टर, मतलब कि वो चैप्टर ही आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा अब आपका एग्जाम में, उस चैप्टर आप कट कर दीजिए, वो चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। सर्कल्स आपका था चैप्टर नंबर 10, इसमें कहते हैं देर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इससे रिलेटेड आपकी एक थ्योरम है, बेसिकली कहना चाहते हैं कि जैसे कि 3 पॉइंट है तो इससे रिलेटेड एक ही सर्कल होकर जाता है, तो ये इससे रिलेटेड जितना आपका एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में, और जो थ्योरम है वो आपकी डिलीट हो गई है, ये आपको नहीं पढ़ना है। वैसे कहते हैं फिर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स, ये वाली थ्योरम भी आपकी डिलीट कर दी गई है। क्लियर है? सर्कल से बस यही 2 टॉपिक रिमूव हुए हैं। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्शन 11 चैप्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पैरीमीटर एंड बेस एंगल, मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या होता था, उस ट्रायंगल का पैरीमीटर गिवन होता था और बेस गिवन होता था, तो वो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आपको मिले जहाँ पे आपको ट्रायंगल और एंगल बेस एंगल गिवन हो, वो वाला टॉपिक
कंस्ट्रक्शन चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, वो भी आपको अब कंस्ट्रक्ट करने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो, उसे भी आप आपको नहीं पढ़ना है। वैसे ही फिर आपका यूनिट 5 आती है मेंसुरेशन, यानी कि हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के अंदर देखो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब हीरोन्स फार्मूले के थ्रू जो भी आप फाइंड करते थे वो सब आपने करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट उससे रिलेटेड जब आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक फाइंड करने का जो क्वेश्चन था, जो टॉपिक था, वो आपका हीरोन्स फार्मूले के एक्सरसाइज से, हीरोन्स फार्मूले के चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, वो अब आपका इस एग्जाम में नहीं आएगा। क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक फाइंड करना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका नो डिलीशन, मतलब कि उस चैप्टर में से, चैप्टर 13 जो आपका है उस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो पूरे का पूरा चैप्टर सेम एज इट इज़ एग्जाम में आएगा जैसा वो बुक में है। फिर आता है यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी देखिए आपका जो हिस्टोग्राम है विद वेरिंग बेस लेंथ, हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन जो एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता ही था, वो मेन टॉपिक उस चैप्टर का, वो भी रिमूव कर दिया गया है। मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, याद रखिएगा अनग्रुप डाटा दो तरह के, मीन मीडियन मोड आप पढ़ने मिलते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में आएंगे, बट अनग्रुप डाटा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में अब नहीं आएंगे, उसको रिमूव कर दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी एंड नो डिलीशन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, वो पूरा चैप्टर एज इट इज़ एग्ज़ाम में आएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके वो टॉपिक जो एग्ज़ाम में अब आने वाले हैं और जो रिमूव हुए। ये आपके सारे टॉपिक जो इसमें आपको दिखाए गए हैं, जो मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक अब आपके एग्ज़ाम में से डिलीट, सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। और इससे रिलेटेड उसके रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो मुश्किल से एक हार्डली या वन या टू चैप्टर है, जो एक चैप्टर जो डिलीट हुए हैं, और कुछ चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, और कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हुए, जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो हम इसमें दे चुके हैं। तो ये था हमारा क्लास नाइन्थ का मैथ का सिलेबस जो अब एग्ज़ाम में आएगा, जो CBSE के थ्रू न्यू अनाउंसमेंट हुई है कि उनके सिलेबस में 30% रिड्यूसमेंट की गई है। तो वही हमने इस वीडियो में कवर किया कि कौन कौन से आपके टॉपिक रिमूव हो गए और कौन कौन से अब एग्ज़ाम में आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी, कौन से टॉपिक एग्जाम में आने और कौन से नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।